आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी आपकी मेन है इसकी हेडिंग। सबकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, बट जो मेन टारगेट है वो आपका लिवर सेल को डैमेज करना, लीवर को डैमेज करना। ठीक है, ये सारे हेपेटाइटिस का मेन टारगेट पॉइंट क्या है? लीवर। ओके, इट इज़ द कॉमन थिंग ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। ओके, तो HV इन्फेक्शन मतलब हेपेटाइटिस वी वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये आपका एक्यूट फेज है। अगर आपने एक्यूट फेज ट्रीट नहीं किया तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रोनिक में डेवलप हो जाएगा। तो एक्यूट फेज में क्या है, आपका वायरस इन ब्लड एंटर कर गया। एक टर्म आती है विरोनिमा, विरोनिमा कंडीशन है, मतलब जो आपका वायरस है वो ब्लड में एंटर कर चुका है। तो कहीं पे नोट्स में आपको ये टर्म हो तो उसका मींस यही है। तो वायरस आपका ब्लड में एंटर कर गया थ्रू पेरेंटल, बिकॉज ये इसका 90% ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका 90% ट्रांसमिशन आपका होता है पेरेंटल के थ्रू। ठीक है, तो पेरेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या फिर हम ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका वायरस एंटर कर गया। अब वायरस एंटर कर गया तो उसके बाद क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका इम्यूनी रेस्पॉन्स एबनॉर्मल हो जाएगा। जनरली इम्यूनी रेस्पॉन्स एबनॉर्मल कंडीशन मतलब इम्यूनी सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है कि फॉरेन एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने उसको डिटेक्ट करके। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वायरस है वो क्या करेगा, वो सिमिलर अपने जैसे जैसे हमारा हेपेटाइटिस सेल है सेम ऐसे ही न्यू आपके हेपेटाइटिस बना के DNA के सरफेस पे वहाँ पे आपको मतलब उन हेपेटाइटिस को ये खुद ही वो करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा और उन पर सेल्फ अटैक कर देगा। सेल्फ अटैक करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो लीवर है वो हमारे ही इम्यून सिस्टम की वजह से सेल्फ डिस्ट्रॉय होने लगेंगे उसके सेल्स। तो वो कंडीशन है ये। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्रोनिक हेपेटाइटिस कंडीशन डेवलप हुई तो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगा ये। तो उससे क्या होगा कि आपका मीटोजेनेसिस और म्यूटोजेनेसिस वाली कंडीशन एराइज हो जाएंगी। म्यूटोजेनेसिस मतलब सेल डिवीज़न होने लगेगा। सेल डिवीज़न ये आपको मैंने सेल साइकिल में बताया था, तब सेल साइकिल ग्रोथ था ना, तब वहाँ पे मैंने आपको ये डिस्कस किया था। तो म्यूटोजेनेसिस में क्या होगा कि सेल डिवीज़न होने लगेगा, एक पर्टिकुलर रेट में सेल डिवाइड होता है, इट्स ओके, बट उसका रेप्लिकेशन एक ज़्यादा होना तो वो आपका ट्यूमर केस कर सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होना वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो म्यूटोजेनेसिस होगा, म्यूटोजेनेसिस मतलब आपका होगा DNA में चेंजेस, म्यूटेशन हो जाएगा, मतलब DNA में सडन चेंजेस हो जाएगा। वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, रेस की वजह से हो सकता है, UV रेस, एक्स रेस, उनकी वजह से होगा। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस ये एक दो कंडीशन डेवलप करेंगी जो क्या हुए, सेकेंडरी इवेंट्स, जिनकी वजह से कुछ सेकेंडरी इवेंट्स आएंगे। वो इवेंट्स आपके कि सेलुलर DNA डैमेज होगा। सेलुलर DNA डैमेज मैंने वही बताया आपको कि आपका DNA में चेंजेस हो जाएगा। DNA चेंजेस होगा मतलब DNA रेप्लिकेट होने लगेगा, बॉडी के सेल्स जो है वो रेप्लिकेट होने लगेंगे। वायरल DNA वायरल जो है वो DNA को डैमेज करेगा। वायरल इन्फेक्शन जो इसका वाला वायरस है वो, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सेलुलर ग्रोथ कंट्रोल, मतलब जो एक नॉर्मल रेंज पर सेल्स ग्रोथ करते हैं इट्स ओके, जो नए सेल्स बन रहे हैं एक नॉर्मल ट्रेन पे ठीक है, बट वो ज़्यादा बनने लग रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपका ट्यूमर कॉज कर देगा, जिससे कैंसर होने के चांसेस है, जिसकी वजह से क्या होगा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा, मतलब जो आपके हिपेटोसाइट सेल्स हैं वो डैमेज होकर आपका लीवर का कैंसर कॉज कर देंगे। तो ये आपकी जनरल पैथोफिजियोलॉजी है हेपेटाइटिस बी की। इट्स मेन पार्ट इज़ कि इसे किसको इफेक्ट करता है, ये आपका DNA को डैमेज करता है इसका वायरस। बाकी सारे वायरस RNA को इफेक्ट करते हैं, बट ये आपका पेरेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू इसको करता है, DNA को डैमेज करता है। ओके, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है डायग्नोस्टिक। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के बाद आपका डायग्नोसिस आता है कि हमने वो डिसीज़ को कैसे डिटेक्ट करना है। तो वायरल एग्जामिनेशन, वायरल मतलब हेपेटाइटिस में भी टाइप्स है ना, तो सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा वायरस है, बी वाला है, ए वाला है। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, लीवर बायोप्सी करेंगे, लीवर का कोई एक पोर्शन टिश्यू सेल का लेकर उस पर फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लीवर कैंसर होने के चांसेस हैं इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ डिटेक्शन पैरामीटर्स हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन वही सेम साइंस सिम्टम्स उस डिसीज़ के डिटेक्ट करेंगे, उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ओके, देन फिर अब आता है आपका ट्रीटमेंट, डिसीज़ होने के बाद क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटीवायरल एजेंट्स कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मतलब जो आपके इम्यून सिस्टम को आपको उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, उनको बढ़ाएँ, टी सेल्स को बढ़ाएँ। ठीक है, इम्यून सिस्टम को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, फिर एट लास्ट आपके पास ऑप्शन बचता है वैक्सीन, वैक्सीन तो फिर एट लास्ट ऑप्शन है। तो जनरल ट्रीटमेंट है आपका किसका, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये डिसीज़ आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई।